नमस्कार। गुजरात में कल शाम के 5 बजे से आज शाम के 5 बजे तक 24 घंटे में 313 जितने पॉजिटिव कोविड 2019 के केसेस आए हैं। आज इसी 24 घंटे के दरमियान 5 ऐसे लोग हैं जिनकी दुखद मृत्यु हुई है। कोविड 2019 का ही प्राथमिक कॉज ऑफ डेथ कारण की वजह से, और 12 ऐसे लोग हैं जिनको पहले से अन्य गंभीर बीमारी थी और उनको कोविड 2019 का संक्रमण लगते वो भी इन्फेक्ट होके उनका दुखद चिकित्सा के दरमियान उनकी मृत्यु हुई है। आज जो कोविड का ट्रीटमेंट ले रहे थे, जितने लोग इसकी इलाज ले रहे थे, चिकित्सा ले रहे थे, इसमें से 86 यानी 86 ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ठीक होके वापस अपने अपने घर डिस्चार्ज होके गए हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकअप में सबसे ज्यादा अहमदाबाद 249, गांधीनगर 10, सूरत 13, वडोदरा 19, पंचमहल 10 और बाकी जिलों में एक एक सिंगल डिजिट नंबर्स में आए हैं। अभी तक कुल हमारे पॉजिटिव जो कोविड 2019 के दर्दी हैं 4,395 हैं और अभी इसमें से 613 जितने लोग डिस्चार्ज होकर वापस घर चले गए हैं और अभी जो एक्टिव पेशेंट्स हैं उसमें से 3,535 लोग स्टेबल है और 33 ऐसे लोग हैं जो वेंटिलेटर पर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। आज तक कुल हमने जो टेस्ट्स किए हैं 64,007 जितने टेस्ट्स किए हैं और इनमें से जो पॉजिटिव आए हैं टोटल आए हैं 4,395 और आज दिवस दरमियान दिन दरमियान 4,519 जितने टेस्ट हम कर पाए हैं। ये हमारी क्षमता से आगे है, ज्यादा है और हमने इसके लिए एक ICMR ने जो इनोवेटिव पूलिंग स्ट्रैटेजी यानी कि एक ही साथ हम 5 से ज्यादा सैंपल्स का टेस्टिंग कर सकते हैं ऐसे जिलों से कि जहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी न हो, तो उसका भी हमने प्रयोग किया है, यूटिलाइज किया है टेस्टिंग और सब सटीक तरह से इसको चेक करने के बाद। आज और भी थोड़े अच्छे पॉजिटिव स्टोरीज ये हैं कि एक आनंद जिले में बहुत सारा योगदान वहां के लोकल स्थानिक जो विवेकानंद युवक मंडल है उनके वॉलंटियर्स के द्वारा करने में आया है। खंबात जैसे विस्तारों में भी बहुत उम्दा काम हो रहा है। आज हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने भी अलग अलग राज्यों में जो कोविड में खास करके कंटेनमेंट, रूथलेस कंटेनमेंट की जो बात करते हैं कि बहुत ही सटीक तौर से लॉकडाउन का अनुपालन करना चाहिए उसका, और अलग अलग जो जोन्स हैं रेड, ऑरेंज और ग्रीन यानी कि लाल, नारंगी और उसके साथ जो हरे रंग का जोन है उसकी भी रिव्यू किया उन्होंने की थी, और इस तरह से अलग अलग जिलों में बहुत अच्छे सक्सेस स्टोरीज, साफल्य गाथाएं भी आज हमें जानने को मिले। वहां के लोकल डिस्ट्रिक्ट के अथॉरिटीज और अलग अलग जो सीनियर IAS ऑफिसर्स को भी इन जिलों में अपॉइंट किया है उनकी लीडरशिप में भी बहुत उम्दा काम हो रहा है। जैसे भावनगर के अंदर हमारे श्रीमती सोनल मिश्रा वहां पर डिस्ट्रिक्ट में शी इज अ सेक्रेटरी इन चार्ज, और वहां के जो DDO हैं, वहां के जो कलेक्टर श्री हैं वरुण कुमार बनवाल, वहां के जिला विकास अधिकारी श्री हैं, उनके एक पहल से, इनिशिएटिव से हर गांव में 8 से 10 ऐसे वॉलंटियर्स हैं, वहां स्वयंसेवक हैं जिन्होंने पूरे गांव के अंदर एक कोविड मुक्त गांव करने के लिए बहुत ही उम्दा प्रयास किया है। इसी तरह से पंचमहल में जितने भी लोग 60 वर्ष से बड़ी उम्र के हैं और जितने लोगों को अन्य गंभीर बीमारियां हैं उन लोगों को इस तरह से एक वॉलंटियर की सेना से रोजाना घर फोन करके चेक किया जाता है कि वो बिल्कुल ठीक है, किसी को कोई ज्यादा सिम्टम्स नहीं आए। इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे प्रयास मानसा में कल ही पता चला कि वहां की पूरी टीम, डॉक्टर तुषार जानी, डॉक्टर राकेश भाई गोस्वामी और वहां पर पूज्य तेजस भाई दवे और इसी तरह से श्री दिनेश भाई व्यास, इन सबके संयुक्त प्रयासों से 30,000 जितने लोगों को अहमदाबाद के जैनम परिवार रिलीजियस ट्रस्ट के द्वारा आर्सेनिकम एल्बम पोटेंसी 30 का जो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए होम्योपैथी की जो दवाई है इसका निशुल्क धोरण पर वितरण किया गया है। तो इस तरह से सबसे अनुरोध करेंगे कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री सबसे अनुरोध कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, हम अपने मोबाइल पर हम सब मिलकर जो आरोग्य सेतु का ऐप है उसे बिल्कुल भूलेंगे नहीं, इसे डाउनलोड करके यूज करने का। और इसी तरह से हम सबसे अनुरोध करेंगे कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हमने जिस तरह से स्वाइन फ्लू H1N1
अलग अलग बीमारियों के साथ जिस तरह से लड़ाई की है और हम विजेता हमें मिली है, उसी तरह से इस युद्ध में भी हम जरूर अपने धीरज के साथ अगर लड़ेंगे तो हम बिल्कुल इसमें हम विजय प्राप्त करेंगे। नमस्कार।